पाकिस्तान को भाए रूस से भारत जैसे तेल के भाव। अमेरिका की धरती पर पाकिस्तान में जागा रूस प्रेम। पाकिस्तान की 58 बैठकों के बाद मिला ठेंगा। 32.40 अरब डॉलर की तबाही से कांप उठा पाकिस्तान। दोस्तों, गरीबी के साए में जी रहा पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान से भारत की विदेश नीति देखी नहीं जा रही है। भारत की तरक्की से वो जलता है। इस बात को लेकर हमने हमेशा पाकिस्तान के लोगों और सरकार का रिएक्शन देखा है कि भारत सरकार किस प्रकार से दुनिया के बाकी देशों के साथ सामंजस्य बिठाने में कामयाब रहती है। पाकिस्तान इस बात से जलता है कि भारत कैसे मुश्किल के वक्त में भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का प्रदर्शन करता है और किसी के दबाव में नहीं झुकता, जिसका ताजा उदाहरण रूस यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भारत का रूस के साथ व्यापार को और ज्यादा क्वांटिटी में करना। ऐसे में पाकिस्तान बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है और उनका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद ही मान चुका है कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया का चक्कर काट रहा है, ताकि बाढ़ के मुश्किल वक्त और चरमराती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कुछ मदद मिल सके। इसी कड़ी में दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से एक ऐसा बयान आया है जिसमें किसी पारदर्शी वस्तु की तरह यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान किस कदर भारत और रूस की दोस्ती से परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान बेहाल है और पाकिस्तान चाहता है कि उसे भी कुछ राहत मिले। जिस प्रकार से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डामाडोल है, जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। और यह खबर हालांकि रूस पर कोई असर नहीं डालने वाली है, क्योंकि पहले भी जब पाकिस्तान भारत और रूस की डील से परेशान था और बार बार उसके सामने यह रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसको भी भारत जैसी तवज्जो मिले, रूस की चीजों में उसे भी रियायत मिले, लेकिन रूस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। इस बार एक बार फिर से पाकिस्तान का रूस प्रेम जागा है, लेकिन कहीं ना कहीं रूस भी जानता है कि अगर पाकिस्तान के साथ वह नजदीकियां बढ़ाता है तो उसे भारत से दूर होना पड़ेगा, जो रूस कभी नहीं चाहेगा। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि दोस्तों इस बार अमेरिका की धरती से पाकिस्तान का रूस प्रेम जागा है। वहीं अमेरिका जो रूस के खिलाफ दुनिया भर में उसको अलग थलग करने के लिए कैंपेन चला रहा है। आपको बता दें कि विनाशकारी बाढ़ और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान ने रूस की ओर रुख किया है। इस बार पाकिस्तान के वित्त मंत्री का दर्द पूरी दुनिया के सामने झलका है। वहीं दोस्तों आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान का वित्त मंत्री अमेरिका के दौरे पर गया था तो वहां पर एयरपोर्ट पर ही इसके खिलाफ जमकर विरोध हुआ था और पाकिस्तान चोर जैसे नारों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इस वित्त मंत्री ने कहा कि उनका देश रूस से उसी भाव पर तेल खरीदने को तैयार है जिस भाव पर पड़ोसी देश भारत को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसाक डार पाकिस्तान के नव नियुक्त वित्त मंत्री है। दोस्तों पाकिस्तान के वित्त मंत्री का यह बयान उसकी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान आया है। दरअसल मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए इस मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण बहुत कठिनाई हुई है। इसके साथ ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान रूस से रियायती ईंधन खरीदता है तो पश्चिमी देशों को उससे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान यह भूल रहा है कि वह एक तरफा प्यार जैसी बात कर रहा है। उधर रूस किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ व्यापार को लेकर कभी भी कोई कुछ बयान नहीं दिया है। उधर रूस ने यह कहा था कि जब यूक्रेन के अंदर पाकिस्तानी हथियारों के वीडियो फुटेज और जो चर्चा चली थी उस पर रूस ने कहा था कि हम इस पर जांच बिठाएंगे, अगर पाकिस्तान इसके अंदर संलिप्त पाया गया तो फिर पाकिस्तान को बुरे अंजाम भुगतने होंगे। ऐसे में पाकिस्तान की दोगली नीति रूस कभी भी स्वीकार नहीं करने वाला है। दरअसल दोस्तों द न्यूज में इसाक डार के हवाले से खबर है जिसके मुताबिक पाकिस्तान का वित्त मंत्री कहता है कि मैंने वॉशिंगटन में अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अमेरिका, सऊदी अरब और अन्य देशों के अधिकारियों के प्रमुखों के साथ 58 बैठकें की है। हालांकि दोस्तों उनकी बैठकें बेनतीजा ही साबित होने वाली है, क्योंकि हर कोई देश जानता है कि पाकिस्तान को अगर कोई पैसा देगा तो उसका उपयोग कहां पर किया जाएगा और दूसरी चीज वापस पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तमाम मुद्दों को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में पैसा इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान को नवीनतम मुद्दा उसके देश में आई भीषण बाढ़ का मिला है।
और इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने रोना रो रहा है, क्योंकि इस बाढ़ की विनाशकारी खबरों को आपने जरूर सुना होगा। करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए, लाखों घर तबाह हो गए। अभी तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई है और इस बाढ़ ने पाकिस्तान के अंदर महंगाई को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। जिस आटे को लोग खाते हैं, जो आम जरूरतें हैं लोगों की, सारी चीजें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, जिससे लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। अब इस बात को मुद्दा बनाकर पाकिस्तान दुनिया भर में बैठकें कर रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान में बाढ़ पर चर्चा के लिए आयोजित गोलमेज सम्मेलन में पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने इस पर बहुत बड़ी रिपोर्ट साझा की। पाक मंत्री ने रिपोर्ट में कहा था कि बाढ़ के कारण पाकिस्तान को 32.40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिससे पाकिस्तान में भयंकर तबाही आई है। पाकिस्तान को अब पुनर्वास कार्य के लिए 16 अरब डॉलर से अधिक की जरूरत है। एक तो पहले से ही पाकिस्तान में कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ रखा है, तमाम देश पाकिस्तान से पैसे वापस मांग रहे हैं, उधर से पाकिस्तान सामने से 16 अरब डॉलर और मांग रहा है। दोस्तों, कोई भी देश पाकिस्तान को अब फूटी कोड़ी भी देने को तैयार नहीं है, यहां तक कि IMF पाकिस्तान को मना कर चुका है। पाकिस्तान सऊदी अरब का चक्कर काट रहा है और बैठकें कर रहा है, तो वहीं चीन ने पहले से ही हाथ खड़े करके रख दिए हैं, क्योंकि चीन का बहुत सारा निवेश पाकिस्तान में अटका हुआ है और यहां तक कि दोनों देशों की अति महत्वपूर्ण CPEC परियोजना भी तलवार के धार पर टिकी है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान को इतने रुपए नहीं मिले 16 अरब डॉलर, तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तबाही आ जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान भूखमरी की ओर बढ़ रहा है। पूरे देश में अभूतपूर्व बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित पाकिस्तान अब रूस की ओर देख रहा है। पाकिस्तान यूक्रेन से जारी संघर्ष के बीच प्रतिबंधों से प्रभावित रूस से गेहूं खरीदने की योजना बना रहा है, साथ ही तेल भी खरीदना चाहता है। दरअसल मॉस्को में पाकिस्तानी राजदूत सफकत अली खान ने समाचार एजेंसी तास के साथ एक साक्षात्कार में कहा, दोनों तकनीकी पक्ष पहले से ही इस पर चर्चा कर रहे हैं, हम रूस से गेहूं खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि जब मामला खाद्य संकट का हो और खाद्य आपूर्ति की बात हो, तो वे रूस को एक दीर्घकालिक और स्थिर भागीदार के रूप में देखते हैं, लेकिन रूस ने अभी तक पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दिया है। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका की धरती पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने रूस के साथ तेल डील करने की बात की है, और वह भी भारत जैसे भाव पर, जिस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान क्या इसमें कामयाब हो पाएगा, या फिर रूस भारत को नाखुश करके पाकिस्तान के साथ डील करेगा? जरूर बताइएगा इस पर अपनी राय। धन्यवाद।